सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये आज हम देखते हैं जियोटेक 2 यूनिट 5 का एक टॉपिक, कॉफर डैम। कॉफर डैम क्या होता है? कॉफर डैम इज ए टेम्पररी इंक्लोजर इन लेक, रिवर और सेक्ट्रा। पर्पस क्या होता है? सेपरेटिंग वाटर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। कॉफर डैम में बी फॉर्म बाई अर्दी मटेरियल्स, टिम्बर और स्टील सीट पाइलिंग। इसके टाइप्स देखते हैं कौन कौन सा होता है। बेसिकली हम 5 टाइप्स यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पहला है अर्थ कॉफर डैम, दूसरा है रॉक फिल डैम, तीसरा है सिंगल सीट पाइल कॉफर डैम, चौथा है ब्रिज्ड कॉफर डैम, पाँचवा है सेलुलर कॉफर डैम। पहला देखते हैं अर्थ कॉफर डैम। हम इसे 5 पॉइंट्स पे समझेंगे। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कॉफर डैम होता है। इट इज़ बिल्ड अप विथ बाई एमलगेमेटिंग क्ले एंड फाइन सैंड और एमलगेमेटिंग क्ले की हेल्प से ये बिल्ड होता है। द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ द बैंक इज प्रोवाइडेड विद ए रिप रैप। आगे के फोटो में हम देखेंगे रिप रैप कहाँ प्रोवाइड होता है और रिप रैप क्या होता है। फॉर रीजन ऑफ इकोनॉमी सम सीपेज ऑफ वाटर इन टू द एक्सकवेशन इज यूजली टॉलरेट किया जाता है। मिनिमम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं हम इसमें 1 मीटर। यहाँ देखते हैं रिप रैप क्या है और स्मॉल स्टोन क्या है। आप इस फोटो में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और हम सीट पाइल कहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो भी। ये फोटो है अर्थ कॉफर डैम का। आगे देखते हैं रॉक फिल कॉफर डैम। ये दूसरा टाइप है, बेटर देन दैट ऑफ अर्दन डैम। स्टोन और रवल इज यूज्ड फॉर द एम्बैंकमेंट, जनरली प्रोवाइडेड विद एन इम्परवियस मेम्ब्रेन ऑफ सॉइल टू डिक्रीज सीपेज को डिक्रीज करने के लिए हम इम्परवियस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं ऑफ सॉइल। दी ओवर टॉपिंग डज नॉट इंक्लूड सीरियस डैमेज एंड स्लोप्स प्रोवाइडेड 1 हॉरिजॉन्टल टू 1.5 वर्टिकल। और इसका 5वां पॉइंट है द स्लोप ऑफ वाटर साइड इज पीज्ड सो एज टू प्रोटेक्ट डैम फ्रॉम वेव एक्शन। बाहरी एक्शन जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए रिप रैप ऊपर साइड में प्रोवाइड किया गया है, इम्परवियस मेम्ब्रेन और वर्किंग एरिया भी आप देख रहे हैं, रॉक फिल जो प्रोवाइड किया गया है। और जस्ट उसके नीचे वाला जो आप फोटो देख रहे हैं वो लाइव कहीं का रॉक फिल डैम, कॉफर डैम है, जिसको हमने गूगल से उठाया है और मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें, आप सब आसानी से समझ सकें। तीसरा देखते हैं सिंगल सीट पाइल कॉफर डैम। इसे हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे। टू इंक्लोज स्मॉल फाउंडेशन साइट्स इन वाटर फॉर ब्रिज एट अ कॉम्परेटिवली स्मॉल डेप्थ। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? देयर इज सिंगल रो ऑफ कैंटिलीवर सीट पाइल्स एंड द पाइल्स आर समटाइम्स हैवीली ब्रिज्ड। तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बेलो ग्राउंड सरफेस। सिल्ट के लिए 0.85 H होता है, फाइन सैंड के लिए 0.50 H होता है, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल के लिए 0.25 H होता है। H क्या होता है? डेप्थ ऑफ वाटर। इसके हेल्प से हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फोटो देखिए आप, कैंटिलीवर सीट पाइल कॉफर डैम ऊपर, जिसमें स्ट्रट भी प्रोवाइड किया गया है स्टेबिलिटी के लिए, और सिंगल वॉल कॉफर डैम जो बना है। ये फोटोज़ भी गूगल से ली गई हैं ताकि आप सब आसानी से समझ सकें। ब्रिज्ड कॉफर डैम देखते हैं, इसको हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। ब्रिज्ड कॉफर डैम आर द सीटिंग एंड ब्रेसिंग सिस्टम टू सपोर्ट वॉल्स ऑफ एन एक्सकवेशन और टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम एन एक्सकवेशन। दूसरा पॉइंट, इट इज़ मोस्टली यूज इन अर्बन एरियाज। तीसरा, यूजली अडॉप्टेड एज लैंड कॉफर डैम्स
टू स्टॉप द एंट्री ऑफ ग्राउंड वाटर इनटू द फाउंडेशन पिट, जो फाउंडेशन पिट होते हैं वहाँ पे पानी के बहाव को रोकता है। टू सपोर्ट द सॉयल एज टू स्टॉप केविन व्हेन द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द पिट, जब पानी निकाल दिया जाता है तो द स्ट्रक्चर इज कॉन्क्रीटेड, तब जाके स्ट्रक्चर को हम कॉन्क्रीटेड करते हैं, तब जाके स्ट्रक्चर को कॉन्क्रीट किया जाता है। कॉफर डैम इज रिमूव व्हेन कॉन्क्रीटिंग हैज़ बीन डन अबव द वाटर लेवल। आगे देखते हैं हम इसका फोटो, यह है कॉफर डैम, ब्रेस्ट कॉफर डैम। कॉफर डैम का टाइप्स, जिसमें सीट पर्ल साइड बाय साइड प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रट प्रोवाइड किया गया है, और नीचे जो जनरली जो लाइव बन रहा है वो उसका फोटो मुझे गूगल से प्राप्त हुआ, वो आप लोगों के लिए डाला गया है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेलुलर कॉफर डैम क्या होता है। सेलुलर कॉफर डैम आर एसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, लॉक्स, व्रफ्स, ब्रिज पायर्स एंड द अदर मैरीन स्ट्रक्चर्स। कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है डैम्स में, लॉक्स, वर्फ्स, वर्फ्स समझ रहे हैं आप, जो आप सभी देखते होंगे, जो नाव होता है, नाव जो चलता है, नाव जहाँ पे एकत्रित किया जाता है उसको हम लोग, उस चबूतरे को जहाँ पे उसको रखा जाता है उसको हम लोग वर्फ्स कहते हैं। ब्रिज पायर्स एंड अदर मैरीन स्ट्रक्चर, द सॉयल इज फिल्ड इन दिस सेल्स टू प्रोवाइड स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट लेटरल प्रेशर, जो लेटरल प्रेशर आता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सॉइल फिल्ड किया जाता है। प्रोवाइड वाटर लेयर इज मोर देन 20 मीटर, जब वाटर लेयर जो होता है 20 मीटर से अबव होता है तब जाकर हम सेलुलर कॉफर डैम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये तब इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू अदर्स। फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी यूज्ड क्ले सैंड और ग्रेवल, स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्ले सैंड और ग्रेवल यूज करते हैं। जनरली टू टाइप्स का होता है सेलुलर कॉफर डैम, डायफ्राम टाइप्स और बी सर्कुलर टाइप्स। आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, पहला है डायफ्राम टाइप्स कॉफर डैम और दूसरा सेलुलर टाइप्स का है, और इसका एक फ़ोटो यहाँ भी हम गूगल से उठाए हैं जो हम यहाँ शो कर रहे हैं। जल्दी सारा फोटो गूगल से उठाया गया है ताकि आप सभी आसानी से समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सिविल सीकर पे टाइम देने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो आसानी से आसान भाषा में कॉफर डैम और उसके टाइप्स को समझ सके। बेसिकली हम यहाँ ओवरव्यू देते हैं, आप डिटेल्स के लिए बुक प्रीफर कर सकते हैं। थैंक यू।